मेरे गुरु भाई बहन, आज आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं एक गांव में एक आदमी का कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को मेरा कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शिव जरूर लिखिए। एक गांव में एक आदमी रहता था, वह अकेले रहता था, उसके कोई संतान नहीं था। अकेले बेचारा रोज़ अपना कुआं खोदता था, रोज पानी पीता था। अगर कमाए तो खाए, नहीं तो ऐसे ही सो जाए। एक दिन के बाद है कि वह सोचा, आम का सीजन था, तो सोचा कि मैं आज अपना टोकरा लेकर के दूसरे गांव में जाऊंगा। जाते जाते बहुत धूप का दिन था, कुछ दूर पहुंचा, भारी टोकरा माथा पर लिए हुआ था। तब देखा कि बहुत बड़ा सा एक पेड़ है, तो उसी पेड़ पर सोचा कि आज थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा छाँव होगा तब जाएंगे उस गांव में। अपना टोकरा उतार के बैठा। तब तक उसको बहुत जोर से भूख लगी थी, सोचा कि क्या मैं एक अपना आम खा लूँ। मन उसका भोला कि नहीं, आज हम खा ही लेते हैं ये काम। जैसे ही हाथ लगाया, आम लिया, तो फिर सोचने लगा कि अगर ये काम खा जाता हूँ तो घाटा लग जाएगा, इसलिए मैं फिर रख दिया टोकरा में अपना आम, नहीं खाया। अब बहुत इच्छा था कि आज हम आम खाएंगे। जब ये सोच रहा था तब तक उसका आत्मा निकल कर उस पीपल का पेड़ पर जाकर बैठ गया। लगा सोचने का कि नहीं, इस इंसान में मैं नहीं रहूँगा, अब जिसका अच्छा विचार होगा उसमें जाके मैं प्रवेश करूँगा। तो सोचते सोचते वो आदमी अपना बेहोश पड़ा हुआ था, तो सोचा कि नहीं, अब ऐसा गलती नहीं करूँगा। हाँ, अब जो भी मन करेगा अपना खा पी लूँगा, अब सोचूंगा नहीं जाना। तब तक उसका आत्मा ने दूसरा आदमी रोने लगा कि अब उस आदमी में प्रवेश करूँगा जिसका आत्मा अच्छा होगा। तब फिर लगा सोचने की अब नहीं खाऊंगा। तब तक आत्मा बोला कि नहीं, अब तो बहुत दूर मैं निकल आई हूँ, से अब तुम्हारे आत्मा में नहीं प्रवेश करूँगा, मैं अब किसी और दूसरे का आत्मा में जाकर प्रवेश करूँगा, ताकि उस आदमी अपने बारे में कुछ सोचे समझे, अपना आत्मा को तकलीफ नहीं दे, उसमें जा कर के मैं प्रवेश करूँगा। जाया जाते 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 किसी अच्छा आदमी में प्रवेश कर गया हूँ। हुआ फिर सोचने लगा, अब वो उस आदमी ऐसा था कि जो भी मन करता था वो अपना मन मुताबिक सब काम करता था, खाता पीता अच्छा था, इसलिए अब मेरे गुरु भाई बहन, इस कथा से आप सबको क्या समझ में आया? यह कि अपने आत्मा को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, जो इच्छा करे वो खाना चाहिए, करना चाहिए, अपने भी करो, दूसरे के लिए भी करो, लेकिन करो जरूर। इसलिए गुरु भाई बहन, मेरा कथा आप समाप्त हुआ। जय शिव।